अस्सलाम वालेकुम। आज जो असा जो टॉपिक मैट्रिक क्लास जी फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो पहलो टॉपिक फिजिक्स जी वस्प। फिजिक्स जी वस्प के समझण का पहरी तवा के थोरो फिजिक्स लफ्ज जो थोरो इंट्रोडक्शन बुधाया। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस व्हिच मींस नेचर। जो लफ्ज फिजिक्स आ वो यूनानी बोली जो लफ्ज आ फिजिकोस उन मां निकतल आ जै जो मतलब आ है नेचुरल यानी के फितरत सा लागा पेल शे। डेफिनेशन फिजिक्स जी आए द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स फिजिकल साइंस जी वो शाखा है जेका मादे तवानाई उन्हें बिन्हीं के विच में बाहमी अमल यानी कि पाण में जो तअल्लुक छ उन्हें के बारे में असांखे फिजिक्स बुधाईंदी है। डेफिनेशन में कुछ टर्म्स हैं जेके समझण बेहद जरूरी हैं। पहरियो टर्म आ फिजिकल साइंस इन जो मकसद है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। फिजिक्स फिजिकल साइंस की ब्रांच आ यानी कि फिजिक्स के अंदर असा जगह स्टडी करदा यो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है। फिजिक्स असा के मैटर के बारे में एनर्जी और उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप मैटर छा है सिंधी में असा मैटर के मादो चवंदा यो सिंधी में जगह असा सवाल करे तो मादो छा है इते लिखल है मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग सम वेट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वह शय जेका कुछ न कुछ जगह भी वाला रहे ए कुछ न कुछ वजन भी रखे असा उनके मादो चवंदा आहियूं। मिसाल दुनिया में जै भी शय में तवां नजर विझंदा वो मैटर आ। मिसाल तवां जे क्लासरूम में चेयर्स मौजूद हुंदियूं जगह भी वगारियूं थियूं वजन भी रखन थियूं त मैटर आहिनि मादो आहिनि। मुंहिंजे हथ में ई मार्कर आहे बोर्ड मार्कर इहो बि मैटर आहे रखंदुसि जॻह बि वधारींदो वज़न बि आहेसि ठीक है पा खुद भी मादा एनीथिंग दैट एग्जिस्ट हर वह शो वजूद आ इज कॉल्ड मैटर उनके असा मादो चवंदा आहियूं। यूनिवर्स खुद भी मैटर मादे की ठहर ठीक है। मैटर में को भी एग्जाम्पल अची सके तो उनका डेफिनेशन में मादे का एनर्जी जिक्र यानी कि तवानाई तवानाई एनर्जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी कम करण जी सलाहियत के तवानाई चबो है। आऊं तवा जे सामू बीठो या लेक्चर रिया पियो मुंह में तवानाई मौजूद आ एनर्जी मौजूद आ तडा ता के लेक्चर रिया हो को मजदूर मजदूरी करे लो उन जी एनर्जी मौजूद आ ठीक आ। यानी दुनिया में का भी शय सिर्फ ह्यूमन का भी शय कम करे भई तो उन जी मौजूद आ। मिसाल घर में सा पानी जा मोटर इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक मोटर उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है ठीक है। या टीवी असा यूज करना है टीवी हले थी लाइट दे उनमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है ठीक है। मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो अगे हली फर्दर असा चैप्टर्स में एक्सप्लेन करना सो फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन पे दे तो एनर्जी का मतलब है कम करने की सलाहियत। उन डेफिनेशन हुई डेफिनेशन का नंढो टॉपिक लिखल है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ यानी कि फिजिक्स जी असा जी रोजानी जिंदगी में अहमियत केड़ी आ। सुबह जो असा उठूं दा रात जो सुमूं दा सुबह जो उठण का वटी रात जो सुमण ताई अलग केतरी ब्रांचू फिजिक्स जो असा उनमा गुजरो विंदा पर असा के उन गाल जो इल्म न हो ठीक है। असा रोडन दे गाड़ी हलन हलन दे दिसूं था उन में इंजनस लगलन थर्मोडायनामिक्स से हलन थियो ब्रांच आ केड़ी फिजिक्स जी ते अहमियत आ। जूसर मशीन असा घर में यूज कंदा आयो जूस ठाने के लिए या जूसर मशीन या भी फिजिक्स से रिलेटेड आ। इलेक्ट्रिक फैन असा घर में इस्तेमाल करियूं दा हवा के लिए या भी फिजिक्स आ। रेफ्रिजरेटर असा घर में इस्तेमाल करियूं दा पानी थदो करने के लिए या शयूं थदियूं करने के लिए इन्हें मां असा काफ़ी सहूलतूँ मिलंदियूं या भी फिजिक्स से रिलेटेड आ। अड़ी काफ़ी शयूं तुम रोजमर्रा की जिंदगी में दसो था केतरी शयूं मौजूद हैं
जेके असा पेंजी जिंदगी में इस्तेमाल करे पेंजना सहूलत पैदा कयंदा जी एसी इलेक्ट्रिक फैन रेफ्रिजरेटर जूसर मशीन या ट्रैफिक में जेके गाडी वगैरह असा हलायंदा व्हीकल्स जेके सावट मौजूदन कार या बस वगैरह तो ये सब शय असा जे एरोप्लेन ये सब असा असावट जेके भी शय मौजूदन सब फिजिक्स जी मतलब बड़ी इजाद जेके साइंटिस्टन फिजिक्स या उनन असा इजाद के न्यूटन इन में फिजिक्स जी में असा घणी मिले थी त मूं हिन में लिखियो नाहे सिर्फ़ तव्हांखे एक्सप्लेनेशन ॿुधाए छॾी आहे त हीअ असांजो टॉपिक हो फिज़िक्स जी डेफिनेशन ऐं हुनजी इम्पॉर्टेंस इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में तव्हांखे फर्दर ब्रांचिस ऑफ फिज़िक्स जे बारे में ॿुधाईंदुमि।